दिया है। महानगर पालिका ने आश्वासन दिया है कि हम उन 260 दुकानदारों को अल्टरनेट देंगे, मगर उनके लिए सभी सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, जिसके कारण ये काम हो सकता है। और हमारे शहर में सत्ता है भारतीय जनता पार्टी, टीओके पार्टी और साई पार्टी। अगर हम सब व्यापारी, अगर हम रविंद्र चौहान जी से इस मुद्दे पे बात करते हैं कि ये मुद्दा हम अपनी महासभा में लाकर, जो 260 व्यापारी जिनके पूरे दुकान इस रोड कटिंग में चले गए, अगर वो विषय हम एजेंडा बनाकर महासभा में लाते हैं और सर्वसम्मति से अगर वो पास किया जाता है, तो कमिश्नर साहब हमें महानगर पालिका के तरफ से उन सभी दुकानदारों को, उस सुरेश हजारी ने एक धोखादायक इमारत को कारपोरेशन ने नोटिस दिया हुआ था, तो उस बिल्डर ने 22 फ्लैटों को बुलाया कि आपको फ्लैट बेचना है। उसने बोला भाई ये तो हमारे पास भगवान आ गया, धोखादायक इमारत कोई बिल्डर खरीदता है तो हमारे लिए भगवान है। उसने बोला बोलो, सबको अपना मुंह पसंद रेट दिया। 21 फ्लैट उसने परचेज किए, 21 फ्लैट, एक फ्लैट उनको नहीं मिल रहा था। जो वहां पर जो बैठी महिला थी उसका एक जन से डिस्प्यूट चल रहा था, वो महिला ने बोला ये फ्लैट मेरा है, मैं बेचूंगी, मेरा थोड़ा छोटा डिस्प्यूट है। तो बिल्डर ने बोला मैडम पहला डिस्प्यूट क्लियर करो, फिर मैं आपसे फ्लैट का मुंह मांगी रकम दूंगा। वो औरत कोर्ट में गई, कोर्ट से आर्डर लेके आई कि ये फ्लैट मेरा है, मैं 20 साल से रहती हूँ। आर्डर देने के बाद उसने बिल्डर ने बोला हाँ अभी आप माल के हो, मेरे को फ्लैट दे दो। वो महिला से उस बिल्डर ने फ्लैट ले लिया। फ्लैट लेने के बाद जिस व्यक्ति का डिस्प्यूट था, उस व्यक्ति ने उस बिल्डर के ऊपर 420 का गुनाह दाखिल कराया वैठनवाड़ी पुलिस चौकी में। अभी वो मुझे बिल्डर बोलता है कि महेश भाई उल्लासनगर में कौन आएगा, हमारे उल्लासनगर में 350 बिल्डिंग है, 350 बिल्डिंग जो धोखादायक है, जिसको कोई बनाने के लिए कोई बिल्डर आगे। रविंद्र चौहान जी का हार्दिक स्वागत है। ओके थैंक यू। बाकी भी हमारे सदस्य आएंगे, जिनको भी स्वागत है। जल्दी में 1-5 मिनट में हम इस कार्यक्रम को पूरा करके अपनी कार्रवाई चलाएंगे। हमारे बीच के अध्यक्ष हैं, उनके सदस्य हैं और हमारे बीच में गाउन बाजार सोनी जी हैं। आपका स्वागत है 5 नंबर की एसोसिएशन की तरफ से सर। हमारी दूसरी टीम में प्रकाश दालवानी, उनका ग्रुप आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रकाश दालवानी जी, अमित भाई, सुनील, सभी हमारे सभी व्यापारियों का प्यार है जो आपको बटोरना है और हम दे रहे हैं। अमरलाल सर, विषय ऐसा है कि जो भी आज उल्लासनगर में डेवलपमेंट की पोजीशन पे हम लोग आज पहुंचे हैं, हकीकत में हम लोग रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं। यहां पर हर एक सिंधी ने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे, अपने पूरे परिवार को काम पर लगा के आज इस मंजिल पे पहुंचे हैं कि एक दुकान, अपनी दुकान हमने मार्केट में बना सके हैं, जिससे हम अपना परिवार चलाते हैं। ये दुकान बनाने में हमारे 50 साल जिंदगी के पूरे हो गए साहब। ये दुकान हमारी 2 साल में, 1 साल में नहीं बनी है, 50 साल पूरे हो गए इस दुकान को बनाते बनाते।
इस दुकान से हमारा परिवार चलता है, घर चलता है, बच्चों की पढ़ाई चलती है, और जो घर में जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी दवाइयां इस पैसे चलती हैं। आज कॉरपोरेशन ने रोड को बड़ा करना था, 100 फुट करना था, 80 फुट करना था, बहुत सारे संघर्ष हमारे हुए, लेकिन 100 फुट रोड हो गया। कॉरपोरेशन ने जब रोड तोड़ा वो इस तरीके से तोड़ा, इतनी स्पीड पे तोड़ा, इतना बड़ा नुकसान हमारे शहर का किया, जैसे कि आज तोड़ेंगे और ये कल काम चालू करेंगे। उसके बाद भी सभी भाइयों ने सहयोग दिया कॉरपोरेशन को दुकान तोड़ने में। दुकान टूट गए, दुकान टूटने के बाद आज चौथा साल चालू है सर जी, चौथा साल, 3.5 साल पूरे हो गए हैं, 3.5 साल पूरे हो गए हैं, रोड आज भी अधूरा है। कुछ लोगों के दुकान बचे थे, उन्होंने अपना दुकान बना के अपने व्यवसाय शुरू किए हैं। 1.5 साल से इससे पहले जो कमिश्नर था वो एक भी ईंट नहीं रखने दे रहा था, 1.5 साल से हमारा ये रोड का काम, दुकान का काम बंद पड़ा था। आज चलते हुए बिजनेस में अगर 2-3 दिन ग्राहक नहीं आता है ना, या धंधा कम होता तभी भी टेंशन में आ जाते हैं, यार ग्राहक ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने 3 साल धंधा नहीं किया है वो अपना घर परिवार कैसे चलाते होंगे, 3 साल। MMRDA को भी जो काम करने के लिए उनको भी दिया गया, ड्रेनेज आधा बना आधा नहीं बना, आज भी बारिश का पानी पूरा रोड पे आ रहा है। उसी रोड पे कोई भी आदमी अच्छे तरीके से धंधा नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इससे भी बड़ा इशू यह है कि इस रोड पे जो 260 दुकान थे जो जीरो हो गए, वो 260 दुकान जीरो हो गए, वो 260 परिवार रोड पर आ गए। इसमें से यहां पर कितने जन है, तो जब भी एक तोड़ने की नोटिस अभी है कि कितना सबके पास है, पंचनामा आपके पास हो तो आप मुझे दीजिए, मैं आपका जो पुनर्वसन जो है वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में क्या करना है, ये बारे में आने वाले कुछ ही दिनों में इसके अंदर आप में से कुछ लोग, सब लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं, आप में से एक 5-10 जन जो है, 5-10 जनों के साथ में मैं जब भी कभी इस बारे में अधिकारी हो या किसी के साथ में मीटिंग होगी तो मैं इनको जानकारी दूंगा, और उसके अंदर का जो सोल्यूशन है, अच्छा सोल्यूशन जो है वो तो सोल्यूशन इमीडिएटली कैसा निकले इसके लिए मैं छोड़ों का प्रयास करूंगा। मैं आया ही इसलिए था कि कुछ दिन पहले इनमें से कुछ लोग मुझे आके डोंगोली में मिले थे और इन्होंने बताया कि आप जरा उल्लासनगर में ये जो अमरनाथ रोड जो है, रोड के ऊपर 260 जो दुकान है वो कहीं के नहीं रहे, उनके जो व्यापारी थे व्यापारियों को आज रास्ते के ऊपर रहना पड़ रहा है, ये बहुत गलत बात है, तो साहब इसके अंदर आप ध्यान दीजिए। तो मैंने उनको बताया कि मैं जब यहाँ पर रहूँगा तो मैं ज़रूर आपके यहाँ पर आऊँगा और मुझे वो पूरी की पूरी जानकारी आप दीजिए, वो तो मुझे कलेक्ट करके देंगे। मैं जल्दी, मतलब अभी खाली गणपति है तो बहुत सारी छुट्टी है, फिर भी उसके पहले कैसी इसकी बात की शुरुआत हो इसके लिए मैं नक्की प्रयत्न करूँगा। और मैं आप सभी को खाली आश्वासन देना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन आपका दुकान जो है वो इस शहर के अंदर कहीं ना कहीं तो भी होना चाहिए, इसके लिए जो हमें बनेगा वो मैं जरूर करूँगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं ये बहुत सालों से चलती आई हुई चीज़ें हैं, रेगुलेशन वगैरह ये सब चीज़ें, पॉलिसीज की चीज़ें हैं, उसके अंदर भी जल्द से जल्द कैसा रिजल्ट निकले इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों ने बहुत सालों से इस शहर के निर्माण के लिए और पूरे आपके वजह से ही बहुत सारे काम आज भी पहचाने जाते हैं, तो मुझे आप लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ध्यान में आ रहा है।
सब आपके यहाँ के सभी राजनीतिक पार्टियाँ सभी लोगों को लेके ये सब जो समस्या है ये समस्या कैसे हल हो इसके लिए मैं नक्की प्रयत्न करूँगा, क्योंकि ये काम ऐसा है, ये राजनीति वाला काम नहीं है। ये राजनीति करेंगे तो उसके अंदर गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए सब पार्टी जो यहाँ पर काम करती है सब पार्टीज को साथ में लेके ये जो काम है ये काम को अंजाम तक लेके जाना ये मैं जरूर करूँगा। मैं आपको ओके सर जी, उल्लासनगर के व्यापारियों की काफ़ी सारी समस्या है। आज ये आपकी जो मुलाकात है व्यापारी से दूसरी बार है, आप मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को क्या मैसेज देंगे? मैं मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो 260 जो व्यापारी हैं उनकी दुकानें नहीं रही, 100% वो दुकान पूरी की पूरी उनकी इस रस्ते के अंदर गई है, बाधित हुई हैं। उनके लिए नए जगह पे दुकान मिलना ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और मैं प्रशासन से बात करके उसके अंदर जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं इसके लिए नक्की प्रयास करूँगा। और मुझे खात्री है कि हम सब इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे कि जो सोल्यूशन से इन व्यापारियों का और व्यापारियों ने इतने साल ये सब जो कठिनाइयाँ सहन की है उसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त भी करता हूँ। आने वाले कुछ ही दिनों में इसके अंदर अच्छा कुछ सोल्यूशन हो ये मैं नक्की करूँगा। I love you.